सो फाइनली गाइस, मैं वापस आ गया हूँ एक ब्रांड नई टेक न्यूज़ वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी टेक न्यूज़ देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए टेक न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए रियलमी 9SE 5G के बारे में, जो कि अंडर 20,000 सबसे अच्छा गेमिंग फ़ोन है जिसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। बट अगर आप ये फ्लिपकार्ट पर सर्च करेंगे तो ये फ़ोन आपको सिर्फ देखने को मिल जाएगा 15,000 के प्राइस रेट में। इस फ़ोन का एंड्रॉइड स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड इसे मैं फ्री फायर खेलने में यूज़ करता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप 15,000 तक का एक गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद बात किया दूसरी टेक न्यूज़ के बारे में, तो जहाँ 5G एयरटेल 5G पूरे भारत में लॉन्च होने वाला था, वहीं एक फ्री खबर निकल के आ रही है जो कि कल आई थी, बट मैं टेक न्यूज़ आज दे रहा हूँ। तो सरकार की तरफ से एक रूमर्स फैल रहे हैं जिसके द्वारा बताया जा रहा है 12,000 रुपये के से कम कीमत वाले चाइनीज़ मोबाइल इंडिया में बैन हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोन हैं जो कि Xiaomi, Redmi, Realme, Oppo, Vivo, Poco, Infinix और Tecno एंड काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स बताए जा रहे हैं 12,000 से कम के बैन हो सकते हैं, जो कि इन्होंने अपना जो टैक्स होता है गवर्नमेंट टैक्स वो उन्होंने नहीं भरा था, इसलिए हो सकते हैं ये फ़ोन बैन हो जाए। एंड इसके बाद बात करता हूं रिसेंटली लॉन्च हुए Moto G32 के बारे में। हाँ, ये फ़ोन अभी पर्सनली लॉन्च हो चुका है एंड इसके प्राइस काफ़ी कम है। अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो ये फ़ोन आप सिर्फ परचेज़ कर सकते हैं 11,750 के प्राइस में। एंड इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आप डिस्प्ले को पॉज करके देख सकते हैं, क्या कुछ इसमें आप देखने को मिल रहे हैं सब आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ बात की जाए तीसरी टेक न्यूज़ के बारे में, जो कि है आईफोन की तरफ से। हाँ, अभी आईफोन का iOS 16 का बीटा वर्जन लॉन्च हुआ था, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे थे। वहीं एक नया फीचर इसमें ऐड हुआ है, जो कि है कि इसमें आप बैटरी परसेंटेज को ऊपर नेटवर्क बार पे आप शो कर सकते हैं। इससे पहले होता था कि बैटरी परसेंटेज नहीं देख सकते थे, बट आप बैटरी परसेंटेज बैटरी के में देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, जिस पर काफ़ी यूट्यूबर्स ने इस पर रिएक्शन दिया है। जहाँ बात की जाए ओवरऑल सब यूट्यूबर्स के बारे में, तो कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर रिएक्शन दिया, जो कि उत्सव टेकी ने कहा iOS फाइनली गेट बैटरी परसेंटेज, वहीं इस लोग श्रीवास्तव टेकवर ने लिखा है फाइनली iOS में बैटरी परसेंटेज दिखाने लगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं बात की जाए एक टेक न्यूज़ के बारे में, नहीं एक नॉर्मली टेक यूट्यूबर्स के बारे में, जो कि ज्ञान थेरेपी सर ने अभी एक अपनी कम्युनिटी टैब में एक नया फोटो पोस्ट किया था, जिस पर अभी काफ़ी ज़्यादा मीम बन रहे हैं, जो कि आप डिस्प्ले पर पॉज करके देख सकते हैं। एक बंदे ने इस पर मीम बनाया, जिस पर ऑफिशियल राकेश सर ने इस पर रिप्लाई दिया, जो कि वो भी आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। काफ़ी फनी हो गया था, इसलिए मैंने सोचा टेक न्यूज़ के साथ इसे भी कवर किया जाए। सो फाइनली गाइस, आपको मेरी टेक न्यूज़ कैसी लगती है एंड टेक यूट्यूबर्स की भी मैं थोड़ी लाइफ से रिलेटेड टेक न्यूज़ डाल देता हूँ, जो कि भी आपको अच्छी लगनी चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें।